स्वागत है दोस्तों। क्या आपने भी घर में मेथी लगा रखी है? ये मैंने इस तरह से काट के छाया में डाल रखी है और ये तकरीबन 10 दिन लग जाते हैं इसको इस तरह सुखा के डब्बे में प्रिजर्व कर लिया मैंने। ये आप कोई भी सब्ज़ी बनाएं उसमें इतनी सी हाथों से क्रश करके डाल दें तो बहुत ही बढ़िया इसका टेस्ट आता है। चलिए दिखाती हूँ कहाँ से मैंने तोड़ के बनाई है। ये है लगी हुई मेरे गार्डन में मेथी। देखो एक क्यारी तो मैंने निकलवा दी है, उसमें भिंडी लगाई है। यहाँ से मैंने कटिंग करके वो सारी सुखाने के लिए रखी है। देखो छाया में सुखाएंगे आप तो अच्छी उसकी महक भी रहती है। और दिखाओ मेरे गार्डन में इस क्यारी में से मैंने पूरी निकलवा दी है और यहाँ पर लगवाई है मैंने भिंडी। और ये कुछ प्लांट हैं बैंगन के जिस पे ये लगे हुए हैं अभी छोटू छोटू से, और ये अभी तक मूली साथ दे रही है। देखो ये देखो ये तो अभी तक ये यूज़ हो रही है। और इधर मेरे लगी हुई है खूब सारी पालक। ये मैंने उसकी एक टोकरी हार्वेस्ट कर लिया है, दाल डाल के बनाऊंगी मैं इसको इस तरह से। जब ये थोड़ा पकनी शुरू हो जाती है तो आप इसकी बीज की डंडियां निकाल के उसको निकाल दें और साइड साइड से सॉफ्ट वाली तोड़े। और इधर कुछ मूली है जो कि रेड वाली, इसके ऊपर देखो ये फ्लावर्स आ गए हैं। ये अभी इसके ऊपर लगेंगे मुंगरे। ये देखो ये नीचे इतनी बड़ी हो गई है लगती है, ये रेड वाली थी मूली। और ये मेरे कुछ कैबेज के प्लांट्स हैं, ये देखो इसमें भी मैंने लगवाई है भिंडी। कैबेज दिखा देते हो, ये देखो एक इस तरफ है ये। थोड़ी सी ये भी लगी हुई है, ये कुछ सरसों के प्लांट हैं और ये मूली के सारे प्लांट्स और मूंगरे। इस साइड है एलोवेरा जिसके ऊपर ये फ्लावर्स आ गए हैं, ये नीचे प्लांट्स है। ये मैंने कर ली है अपनी हार्वेस्ट पालक की और ये मूली। और दिखाती हूँ ये भी कुछ है गोभी के प्लांट्स और ये बीच में लगाया हुआ मैंने ये हरा प्याज और ये धनिया। धनिया को तो आप जितना काटते हो उतना ज़्यादा ये बढ़ता है। और इधर भी कुछ है मूली, ये बस इनका सीज़न जाने वाला है क्योंकि इनके ऊपर सारी इस तरह से फ्लावरिंग्स आ गई है।
ये देखो, अब ये भी मैं कटिंग करके सारी मेथी सुखा लूँगी और इसमें कुछ और नया लगाया जाएगा। ये भी, ये था मेरा गार्डन ओवरव्यू, किचन गार्डन। अगर आपको ये मेरी शेयरिंग अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।